अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ भिंडी बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी और बिल्कुल खड़ी खड़ी भिंडी बनाने की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये मैंने भिंडियाँ ले ली हैं जो उनको मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया है। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें मैं प्याज जो है ये ब्राउन कर लूँगी। ये 2 से 3 अदद प्याज है। जितनी भिंडियाँ आप इस्तेमाल करेंगे उसके आधे के बराबर प्याज डालना है। भिंडियों में प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो इसको मैं थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखूँगी, मतलब जब भी थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें जो है टमाटर जो है ऐड कर लूँगी। ये टमाटर का पेस्ट है मेरे पास, ये 2 से 3 टमाटर हैं और इसमें मैं टमाटर के अंदर मैं ये 1 चम्मच हरी लाल मिर्च और इसके अंदर मैं ये आधी चम्मच जो है ये हल्दी ले लूँगी और इस पे जायका नमक मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये जो है प्याज जब तब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं, अब आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है ये मुरझा गया है और कुछ कुछ ब्राउन हो रहा है, क्योंकि हल्का सा पिंक पिंक सा ये हो गया है। तो अब मैं इसमें जो है टमाटर और मसाले जो मैंने टमाटर में डाले थे वो इसमें मैं अब ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैं ये टमाटर और ये मसाले ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अब बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। जितना अच्छा ये मसाला भुना जाएगा इतनी अच्छी भिंडी जो है वो बनेगी। सो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी कि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा रेड सा आ जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भुनाई इसकी हो गई है। अब मैं इसमें इसको मज़ी अच्छे तरीके से भून कर कि ये ऑयल जो है ये आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें भिंडियाँ जो है वो ऐड करूँगी। भिंडियाँ जो है इसको मैं अब ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको हिलाना है, मगर आराम से कि भिंडी जो है वो डूब देना। बस 1 से 2 बार मैं इसको हिलाने के बाद इसको ढक्कन के साथ में ढक दूँगी और आँच इसकी बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी और फिर ये बिल्कुल दम में ये भिंडी जो है ये बनेगी। बिल्कुल आहिस्ता आँच चूल्हे की जो है वो कर दूँगी। अब मैंने इसको ढक दिया है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है और बिल्कुल ये टूटी भी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से पक भी गई है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पक गई है और कोई भी भिंडी बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल खड़ी खड़ी बनी है। भिंडी के पकाने का राज यही होता है कि भिंडी जो है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी सी पके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद